welcome back to my channel Taste Hearts. आप मुझे भूल गए होंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ याद दिलाने में कि मैं कौन हूँ. मैं हरबाब खान नियाजी. मुझे पता है कितने बच्चों को मिक्स वेजिटेबल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आप अगर हमारी वाली मिक्स वेजिटेबल ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी. अपनी मम्मा से कहना कि ये ज़रूर बनाकर आप लोगों को खिलाएं. और इस मिक्स वेजिटेबल का फुल नेम है मिक्स वेजिटेबल विथ चिकन. तो ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए गोभी मीडियम, और ये हमने बारीक काटी है, और ये हमारे पास है थोड़े से शिमला मिर्च ग्रीन वाले बारीक कटे हुए, गाजर मेरे फेवरेट, हम दो तीन चार लाए थे लेकिन कुछ कड़ी निकली तो हमारे पास थोड़ी निकल बच की. आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ी मिर्च चार मिर्च, और आलू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आई लव पोटैटो और मैंने मम्मा को कह दिया थोड़े ज़्यादा आलू रखना, टमाटर प्याज. और अब साइड है हमारे ड्राई मसालों की, नमक हल्दी और ये मिर्च, वाइट पेपर मतलब सफ़ेद पेपर, गरम मसाला और भुना हुआ जीरा, और बोनलेस चिकन हाफ के जी, और थोड़ा सा ऑयल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक मिनट, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी. तो शुरू करते हैं. एक मिनट, मैं मम्मा के बगैर तो शुरू कर ही नहीं सकती. मम्मा गरम होने के बाद हम डाल देंगे उसमें हाफ के जी बोनलेस चिकन. यम, हमने डाल दिया हाफ के जी बोनलेस चिकन. अब बारी है थोड़ा एक से डेढ़ चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, किसी को ज्यादा पसंद होता है तो किसी को कम पसंद होता है, तो अपने जायके के मुताबिक से नमक डाल के उसे हिला लें, अच्छी तरीके से आप उसे हिला लें. अब हम बोनलेस चिकन को भून लेंगे गरम मसाले और नमक के साथ, क्योंकि ये फार्मी चिकन है, देसी चिकन नहीं है. अब हम भून लेंगे हमारे हाफ के बोनलेस चिकन को. हमारा हाफ के जी बोनलेस चिकन भून गया है. शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे तो वेट नहीं हो रहा है इसे खाने को, बिल्कुल भी बहुत अच्छी आ रही है. अब हम इसको एक बर्तन में अलग कर लेंगे. अब हम डाल देंगे हाफ कप ऑयल. अब हम डाल देंगे प्याज, कटी प्याज. जब तक हमारा हाफ ब्राउन प्याज नहीं होगा तब तक हमें इसे पकाते रहें. हमारा हो गया ब्राउन प्याज. अब हम डाल देंगे टमाटर.
डाल दिए इसमें नमक। नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। हमने डाल दिया हमारा नमक। अब हम डालेंगे गरम मसाला। एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच व्हाइट पेपर। अब हम लेंगे एक चम्मच सूखी मिर्च। अब हम डालेंगे हल्दी आधी चम्मच और अब अच्छी तरह पकाएंगे हम सारे मसालों को प्याज और टमाटर के साथ। अब हम डालेंगे इसमें गाजर। गाजर सख्त होती है इसलिए हम पहले डाल के पका देंगे ताकि गाजर थोड़ी नरम हो जाए। अब हम अच्छी तरह से इस गाजर को मिक्स कर लेंगे। गाइस मुझे मसाले की शक्ल बहुत अच्छी लग रही है। यकीन नहीं हो रहा कि ये कब बनेगा और हम कब खाएंगे। मुझे लगता है आप अगली रेसिपी के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। गाजरों को नरम होने तक आप पका लें। अब हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च। ये हम लिए बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब हम डालेंगे इसमें गोभी। फ्रेंड्स आपको भी वेजिटेबल्स खानी चाहिए क्योंकि वेजिटेबल्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और उससे हम हेल्दी भी हो जाते हैं। और मुझे पता है कितने बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वेजिटेबल्स लेकिन उन्हें ट्राई करनी चाहिए। पहले हर बच्चे को नहीं अच्छी लगती है क्योंकि वो नहीं खाते हैं। अब हम डालेंगे आलू, सारे बच्चों के फेवरेट। यही एक वेजिटेबल है जो सारे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है लेकिन बाकी सारी वेजिटेबल्स भी यम्मी होती है। वो भी आप खाया करें ताकि आप भी हेल्दी हो जाए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ध्यान से कहीं आपका हाथ ना जल जाए। इस मामले में हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए और इस मामले में आप अपनी मम्मा से ही करवाएं कि बहुत बच्चे जल भी जाते हैं, उनका हाथ बहुत जोर से जल जाता है, इसलिए बच्चों से ये काम नहीं होता। अब हम मिक्सिंग के बाद इसको ढक लेंगे 20 मिनट्स तक। वाओ ये हमारी है मिक्स वेजिटेबल। अब हम डाल देंगे जैसे आपको पता है हमारे चिकन। चिकन भी बहुत अच्छे खाते हैं। अब हम इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद ढक लेंगे 5 मिनट्स तक हल्की आंच पे। ये तकरीबन बनने वाला है फ्रेंड्स और बनने से पहले आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना होगा ताकि ये चैनल और आगे बढ़े।
ऐसे आप लोगों को यमी यमी रेसिपीज मिल जाएंगी खाने को और हमारे चैनल को सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब इसको ढकने हम छोड़ देंगे। वाह इतनी जल्दी भाप आ रही है ढक्कन पे। हमारा कैमरा ही ढक दिया भाप से। तो बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल बनने ही वाला है फ्रेंड्स। और ये बन भी चुका है फ्रेंड्स। अब आ गए इंटरेस्टिंग पार्ट टेस्टिंग का। अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसा बना है। बहुत यम्मी है गाइस, ये बहुत टेस्टी है और बहुत ज़्यादा यम्मी है, ज़रूर ट्राई करना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और कमेंट करके बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट दें। बताऊँ कैसे, शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते बेल आइकॉन प्रेस करके। और ये थी आज की हमारी यमी सी मिक्स वेजिटेबल विथ चिकन की रेसिपी।